and welcome back to my channel Tips and Tricks by CA Nisha Agarwala. So here's the most awaited video, 4-month strategy for your CA final preparations. So kya lagta hai, pura ek planner bana ke denge ki kis time tak kaun sa subject complete ho jana chahiye, ek table ke form pe rahega ki ye time tak ye subject is date tak complete ho jana chahiye. Nahi, basically ye video hai jo aapko madad karega ki aapko plan kaise karna apna 4-month strategy, kitna number of revisions hona chahiye, ek average time kya lagta hai ek subject complete karne mein, कितना घंटा पढ़ना चाहिए और कुछ बेसिक टिप्स, क्योंकि सब स्टूडेंट का पेस अलग रहता है. किसी को कोई सब्जेक्ट इजी लगता है तो किसी को कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है. उसके अकॉर्डिंगली वो लोग अपना प्लान करते हैं, अपना प्लानर बनाते हैं. अगर हम एक रिजिड प्लान बना दिए ना कि इस डेट तक इस टाइम तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए, वो सबके लिए वर्क नहीं करेगा. तो बेसिकली प्लान आपको बनाना है कि आपको एक सब्जेक्ट में कितना टाइम लगना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इजी है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट है और किसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर ऑफ रिविजन्स ट्राई करो, 4 रिविजन अपना प्लान में इंकॉर्पोरेट करने का, एक जस्ट एग्जाम के पहले और 3 रिविजन स्टडी लीव में. एवरेज टाइम पर सब्जेक्ट, फर्स्ट रिविजन के लिए 10 डेज, सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 3. एवरेज टाइम का ये मतलब नहीं है कि तुमको 10 दिन में ही सब चीज कंप्लीट करना है. किसी सब्जेक्ट में तुम्हारा 15 दिन भी लग सकता है तो किसी सब्जेक्ट में तुम्हारा 7 दिन भी लग सकता है. उसके अकॉर्डिंगली ही तुमको सब चीज प्लान करना है. कोई सब्जेक्ट ईजी लगेगा, कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगेगा. तो ऑन एन एवरेज 10 दिन. नंबर ऑफ आवर्स पर डे, 12 आवर्स प्रोडक्टिवली तुमको देना है. तो बेसिकली तुमको 14 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा वो प्रोडक्टिव काउंट होगा 12 घंटा. फ्यू सजेशंस, एक टाइम पे ना एक ही सब्जेक्ट लो या मैक्सिमम 2 लो. 3-4 जंप मत करो कि एक दिन में हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. मैक्सिमम 2, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल, एक लाइट, एक डिफिकल्ट. इस तरीके से तुमको कॉम्बिनेशन बनाना है. व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक सब्जेक्ट एक टाइम पे ही उठाया था कि एक सब्जेक्ट को पूरा ये 10 दिन में अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में जंप करना है. तुमसे एक सब्जेक्ट मोनोटोनस हो जाता है तो तुम 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम लो, बट 3-4 सब्जेक्ट का गलती मत करना, सब हॉचपॉच हो जाएगा. एंड हाँ, ग्रुप वाइज प्रिपरेशन करना. अगर FR कर रहे हो तो उसके साथ लॉ ले लो, ऑडिट कर रहे हो तो उसके साथ SFM ले लो. इसी अकॉर्डिंगली तुमको अपना सेकंड ग्रुप के लिए भी करना है. एंड यस, आज ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें दोनों ग्रुप देना है कि एक ही ग्रुप देना है. डोंट लीव इट टिल अगस्त या सितंबर की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली तुम डिसाइड करोगे कि एक ग्रुप देना है कि 2 ग्रुप देना है. बिकॉज प्लान जब कर रहे हो ना, देखो अगर तुम एक ग्रुप के लिए दे रहे हो तो तुम्हें 4 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है. अगर तुम 2 के लिए दे रहे हो तो 8 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है. उसके अकॉर्डिंगली तुमको प्लान करना है जो आज ही करना है स्टडी लीव से पहले. आई हैव टोल्ड यू इन ऑल माई वीडियोज कि तुम स्टडी मटेरियल रिस्ट्रिक्ट करो, कम करो और एक ही मटेरियल यूज करो. जंप मत करना कि ये पोर्शन तुम इस बुक से कर रहे हो, ये पोर्शन तुम उस बुक से कर रहे हो. नहीं, एक ही मटेरियल में स्ट्रिक्ट करो. तुमको अपना मटेरियल को बढ़ाना नहीं है, कम करना है. गिव एटलीस्ट 1 मार्क फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. नहीं भी तो कम से कम जो लेंदी सब्जेक्ट्स है ना, जैसे FR हो गया, DT हो गया, इन सब चीज सब्जेक्ट्स के लिए एटलीस्ट 1 मार्क बैठ के दो अच्छे से. तभी तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा राइटिंग पेस कैसा है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अपना प्लान को रिजिट मत करना, फ्लेक्सिबिलिटी करो. बिकॉज मूड पर डिपेंड करता है ना यार हम लोग का. आज हम लोग ये सोचे कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, क्या पता वो पढ़ रहे मन नहीं कर रहा है, वो कुछ घुस नहीं रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि वेस्ट योर टाइम, वेस्ट नहीं करना है, बट उसकी जगह कुछ और भी पढ़ सकते हो. तो अपना टाइम को थोड़ा फ्लेक्सिबल करो. अगर तुम कोई सब्जेक्ट में टाइम दिए हो कि तुम्हारे ये 7 या 8 दिन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और वो नहीं हुआ, तो पैनिक मत कर जाना कि यार नहीं हो रहा है प्लान कंप्लीट मेरा टाइम पे. तुम स्ट्रेस लेके फिर और भी जो पढ़ने जाओगे ना, वो भी अच्छे से याद नहीं रहेगा. तो फ्लेक्सिबिलिटी रखना अपना प्लान में हर सब्जेक्ट के लिए कि हाँ थोड़ा 19-20 हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है 7 दिन में, नहीं तो 8-9, इनफैक्ट 10 दिन में भी हो सकता है. इतना अपने ऊपर प्रेशर मत दो. एट दी एंड हम लोग का मोटिव यही होना चाहिए कि अच्छे से हो रहा है. ठीक है, स्टडी लीव से पहले तुम्हारा 3 रिविजन नहीं होगा, तुम 2 रिविजन ही करना, बट अच्छे से करना ना. ऐसा नहीं कि तुम सब चीज कवर करने के चक्कर पे जंप करते जा रहे हो, तुम अच्छे से कर ही नहीं रहे हो. 2 रिविजन भी करो बट अच्छे से करो. और हाँ, देखो तुम्हारा एग्जाम्स नवम्बर में पड़ रहा है तो अक्टूबर में बहुत सारे ओकेजन आते हैं. कुछ ओकेजन तुम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सब हो गया. तो अपना प्लान उसके अकॉर्डिंगली ही बनाना. सो डोंट पैनिक, गिव योर बेस्ट, अच्छे से पढ़ना. और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज का डाउट हो, स्ट्रैटेजी में दिक्कत हो, कोई प्लानिंग में दिक्कत हो, डू कॉन्टैक्ट मी. आई एम एक्टिव ऑन इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन. ड्रॉप मी अ टेक्स्ट विद हाय एंड हेलो कि कौन सा पर्पस के लिए मैसेज किया गया है या कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है. बिकॉज बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं ना नॉर्मल ऐसे ही, तो नहीं समझ में आता है कि किसको रिप्लाई करना चाहिए और किसी को नहीं. And surely I'll try my best to get back to you as soon as I can. Thank you. I hope you like this video. Do share, subscribe and like this video. Bye-bye.